हेलो दोस्तों, ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक का, फिर से साइटोक्रोम। कि साइटोक्रोम क्या होते हैं, इसके टाइप क्या क्या होंगे, और इसी की चर्चाएं करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो हेडिंग लगाएं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम का दोस्तों जो फंक्शन होता है, फंक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा किसका भाई, साइटोक्रोम का। देखें, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक्टिव साइट यहां पर क्या होने वाली है, तो एक्टिव साइट साइटोक्रोम के अंदर Fe2 और Fe3 पॉजिटिव के अंदर रहता है, ठीक है। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, क्यों, कौन भाई, Fe2 पॉजिटिव, आपको पता ही होगा। जैसे लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन, किसमें चला जाएगा भाई, Fe3 पॉजिटिव के अंदर। जैसा आपने किसके अंदर, रुबिडोक्सिन और फेरिडोक्सिन के अंदर देखा था, तो सिंपल ही था। वो भी क्या करते थे भाई, वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते थे। और यहां पर साइटोक्रोम भी क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर। तो साइटोक्रोम्स टाइप्स ऑफ, लगाएं आगे, टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम आर थ्री टाइप्स, ठीक है, साइटोक्रोम्स आर थ्री टाइप्स। साइटोक्रोम ऐसे दिखा दिया जाता है, ए साइटोक्रोम बी एंड दोस्तों साइटोक्रोम सी एंड साइटोक्रोम सी। देखें इसकी डिटेल के अंदर कि किस टाइप के इनके स्ट्रक्चर्स होंगे और किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपने साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर दिखता होगा। तो आपने हीम प्रोटीन का, जैसे ही फर्स्ट लेक्चर हमने दिया था, तो वहां पर हीम का आपने स्ट्रक्चर बनाया था, हीम बी का, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर यहां पर लेके चलेंगे। क्योंकि ये भी क्या करते हैं, जितने भी साइटोक्रोम्स होंगे सारे के सारे हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स आप बोल सकते हो, या हीम को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट आप पढ़ने जा रहे हो, अब बारी बारी से स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले आप हीम का क्या, जनरल स्केलेटल बना लेंगे। तो ये अपना जनरल स्केलेटल हो जाएगा इस तरीके से। ये क्या हो चुकी भाई, 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी यहां पर। ये भी अपनी क्या है भाई, 5 मेंबर्ड रिंग। ये भी अपनी 5 मेंबर्ड रिंग हो चुकी। और यहां पर भी क्या हो गई, इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया इन दोनों को CH2 ग्रुप से। आपको पता होगा यहां पर ये जो ग्रुप है ये क्या है, CH2। तो ये क्या हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। और यहां पर क्या भाई, दो के पास तो HH रहते हैं, हमने बताया था पोरफायरिन रिंग के अंदर। यहां पर क्या रहेंगे, लोन पेयर्स। तो यहां पर हमने बताया था कि यहां से क्या स्टार्ट करें, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल, देन यहां पर क्या करने, डबल सिंगल देन डबल। अब क्या आएगा, सिंगल और देन डबल और सिंगल डबल, या आप ऐसे बना सकते हो डबल सिंगल देन डबल। तो यहां पर ये बॉन्ड को लगाना ना भूले, इस वाले को डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो हमने चर्चाएं की थी जो पोरफायरिन, जो आपकी जो जो ये रिंग है, तो ये क्या होती है भाई, एरोमेटिक भी होती थी, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, अब आयरन यहां पर अगर इससे जुड़ेगा तो बताइए, अनायनिक फॉर्म में जुड़ता था और Fe यहां पर जुड़ जाता है इस तरीके से, बताइए भाई। तो यहां पर क्या हो गया, ये टेट्रा कोऑर्डिनेटेड तो हो चुका। अब यहां पर एक जो ऊपर वाला जो ग्रुप आएगा वो क्या आ जाता था दोस्तों, एन हिस्टिडीन आएगा। यहां क्या आएगा, एन हिस्टिडीन। और यहां पर जो सिक्स्थ आपका आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, एस मिथियोनिन। कौन सा आएगा, एस मिथियोनिन से। डन हो गई इतनी बात। अब देखें आप, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि इस तरीके से अपने यहां पर कुछ ना कुछ ग्रुप्स जुड़े होते थे, बोलिए यहां पर। अब इन ग्रुप्स का ही सारा खेल होगा और उसी को देखेंगे इस तरीके से।
अब मैं बोलूं कि यहां पर अपने पास ना CH3 है, और यहां पर मैं कुछ भी मान लूं R1 ग्रुप, ठीक है, यहां पर CH3 आ गया और यहां पर क्या हो गया R2 ग्रुप, यहां पर क्या है CH2COO नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाए दोस्तों CH3, यहां आता था CH2 और देन क्या आता था COO नेगेटिव CH3, फिर यहां पर क्या आ जाए CH3, और फिर यहां पर क्या आ जाए CH2, और फिर क्या भाई COO नेगेटिव। तो ये अपना किसका तैयार हुआ है स्ट्रक्चर, साइटोक्रोम्स का। जैसे ही R1 R2 जो मेरे ग्रुप्स हैं अगर वो चेंज होंगे तो साइटोक्रोम भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए का के अंदर कौन सी हीम रहेगी दोस्तों, इसके अंदर देखी गई हीम ए कौन सा रहेगा, हीम ए ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। अगर आपके पास हीम ए है तो R1 क्या आता है आपके पास, R1 तो आ जाएगा सिंपल CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप, और R2 क्या हो जाएगा दोस्तों C18 H30 और OH, बताइए। तो ये बात यहां पर नोट डाउन करेंगे कि अगर R1 ग्रुप अपना ये हो और R2 ग्रुप अपना ये हो तो इस ये जो ग्रुप है इसको क्या नाम बोलेंगे दोस्तों, हीम ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे हीम ए बोल देंगे। इतनी बात डन है, कॉपी करें इसको। तो दोस्तों इसी के अंदर क्या, अगर हीम बी देखना हो तो अगर साइटोक्रोम बी क्या देखें सेकंड टाइप, अगर आप यहां पर लिखना चाहें सेकंड टाइप, ये तो हो गया फर्स्ट, अगर आप सेकंड लिखेंगे तो सेकंड के अंदर अगर मैं बोलू R1 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाए CH डबल बॉन्ड CH2, और जो मेरा R2 ग्रुप है वो भी क्या हो जाए CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये दोनों के दोनों ग्रुप ही क्या है सेम है, तो इसी को क्या नाम दे देंगे हम, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये साइटोक्रोम किसके अंदर पाया जाएगा बी के अंदर, और ये ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, ये जो पूरा ग्रुप है इसको क्या नाम देंगे हीम बी नाम देंगे, क्या नाम देंगे हीम बी। तो आप हीम बी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है हीम बी जो ग्रुप होता है वो किस किस के अंदर पाया जाता है, तो किस किस के अंदर पाया जाएगा ये नोट डाउन करें, हीमोग्लोबिन के अंदर भी, मायोग्लोबिन के अंदर भी, और साइटोक्रोम बी के अंदर, तीनों के अंदर कौन पाया जाता है दोस्तों अपना हीम बी प्रोटीन। डन हो गया। अब देखें थर्ड लास्ट थर्ड भाई यहां पे लिख रहे हैं थर्ड, अगर बोला जाए कि आपका जो R1 ग्रुप है क्या है R1 ग्रुप वो क्या हो जाए CH और क्या CH इसके साथ CH3 ग्रुप S और यहां पर प्रोटीन, और ये सेम का सेम किसके साथ भाई R1 भी सेम हो और ये भी R2 दोनों ग्रुप यही होंगे, तो क्या हो जाएगा हीम क्या भाई, इसको क्या नाम दे देंगे, ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा इसको क्या नाम दे देंगे हीम सी, क्या नाम दे देंगे हीम सी, और ये हीम सी ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट रहता है साइटोक्रोम सी के अंदर, बताइए। तो साइटोक्रोम ए के अंदर हीम ए ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और साइटोक्रोम बी के अंदर हीम बी, और साइटोक्रोम सी के अंदर हीम सी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो दोस्तों ये इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है किसके अंदर भाई अपना R2 ग्रुप के अंदर ये जो ग्रुप है, तो इसको हम अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखें भाई C18 H30 OH इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका साइटोक्रोम ए का है, तो दोस्तों साइटोक्रोम्स का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। अब हम चर्चाएं करेंगे दोस्तों कि ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म के अंदर साइटोक्रोम के अंदर जो Fe है वो किस पोजीशन पर रहता है, और अपना 3 पॉजिटिव के अंदर। तो थोड़ा सा क्या लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे किसका, ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म का। तो जैसे आपको पता ही है अगर क्या हो
दोस्तों तो अब हमने स्ट्रक्चर तो देख ही लिया है, अब हम किसकी चर्चाएं करने जा रहे हैं भाई, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म में जो आयरन रहता है उसकी थोड़ी सी चर्चाएं देखें। तो Fe2 पॉजिटिव में रहता है और किसके अंदर भाई, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, तो किस पे चला जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में। और ये भी क्या रहता है दोस्तों, ध्यान दें, ये भी रहता है लो स्पिन और ये भी क्या रहेगा आपका, लो स्पिन रहता है। तो यहां पर क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव में हुआ तो क्या हो जाएगा, D6, और ये अगर क्या हुआ भाई, 3 पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, D5। अगर आप बात करते हैं तो अगर कॉम्प्लेक्स बना तो क्या भाई, क्या बन रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। अभी देखा था हमने आयरन के अलोंग क्या था, 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट थी, 4 तो अपनी क्या थी भाई, पोरफायरिन के NN, और अबो एंड बिलो क्या था, एन हिस्टिडिन एंड एस मिथियोनिन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बताइए, डन। D5 के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये वाली जो D6 सिस्टम हुआ, ये तो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक होते ही स्पिन क्या हो जाएगी, जीरो, स्पिन जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, ESR इनएक्टिव, क्या हो गया, ये ESR इनएक्टिव हो जाएगा। और यहां पर भी देखा गया, ये D5 सिस्टम है, D5 सिस्टम के अंदर S क्या आ रहा है दोस्तों, नॉन जीरो, S नॉन जीरो हुआ तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों भाई, आपका पैरा मैग्नेटिक, ये आपका पैरा मैग्नेटिक आ गया। अगर पैरा मैग्नेटिक आ गया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ESR एक्टिव हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है इतनी, बताइए भाई, डन। अब हम चल रहे हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के ऊपर, किस पर, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज लगाएं। अब साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा दोस्तों, फंक्शन क्या होगा इसका, वो लिखें एक बार। तो फंक्शन होता है कि O2 कन्वर्ट इनटू वाटर, कहां पर कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। अब देखें कैसे होता है, देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है अपने साइटोक्रोम के अंदर वो किस तरीके से होता है, साइटोक्रोम बी देन साइटोक्रोम सी देन साइटोक्रोम ए, इस तरीके से क्या चलता है भाई, आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता है। ये देखा गया, किस बेसिस पे देखा गया दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से देखा गया, कि जो साइटोक्रोम बी था, ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल था वो देखा गया कि यहां पर सबसे ज्यादा किसका था भाई, सबसे ज्यादा आप मान सकते हो कि जो जिसको ऑक्सीडाइज होना था वो किसका था भाई, साइटोक्रोम बी का सबसे ज्यादा, तो बी का सबसे ज्यादा था, उसके बाद किसका भाई, साइटोक्रोम बी का सबसे ज्यादा, उसके बाद साइटोक्रोम एक सी का आएगा, देन साइटोक्रोम ए का, इस तरीके से। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि जो लूज करना चाहे इलेक्ट्रॉन, क्या करना चाहे, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहे, तो साइटोक्रोम बी के अंदर क्या है, हीम बी ग्रुप, क्या है, हीम बी ग्रुप है। अगर हीम बी हुआ तो R1 R2 क्या होंगे आपके, CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएंगे, R1 इज इक्वल टू R2 क्या हो जाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएंगे। अगर ये हो गए तो ये वाला जो ग्रुप है मेरा क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ ये, तो क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगा रिंग को, और क्या करने लगता है, स्टेबलाइजेशन देने लगता है, जो कि आपका क्या भाई, Fe2 पॉजिटिव में था पहले, फिर किस में जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में जाएगा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। देखें अगर ये 3 पॉजिटिव में जा रहा है तो इसको सप्लाई भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉनों की, और वो कहां से आएगी, सब्सिट्यूएंट से, किससे आएगी भाई, सब्सिट्यूएंट आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ऐसे ही आप बाकी दो को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ये आपका ऑर्डर रहता है किसका भाई, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का। तो एक ट्रिक भी हो सकती है, जैसे आपने पता होगा कि कोर्स चलता है किसके अंदर भाई, कॉमर्स के अंदर, कौन सा, BCA
कौन सा कोर्स चलता है भाई, बीसीए। बोलिए, तो इस तरीके से वहां से आप याद रख सकते हो कि बी के पास जाएगा, फिर सी के पास, देन ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाता है। बताइए कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कौन, साइटोक्रोम। रीजन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रीजन क्या है, आर वन आर टू ग्रुप्स की वजह से ऐसा होता है। तो आगे चलेंगे किस पर भाई, किसकी चर्चाएं करेंगे, थोड़ा सा इसी की चर्चाएं करेंगे कि साइटोक्रोम का जो फंक्शन है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का, ओ टू कैसे कन्वर्ट होती है अपने पानी के अंदर। तो लगाएं, स्लो स्लो इंक्रीज लाओ एंड क्रॉस बॉर्डर्स, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। वाह वाह, क्या बात है। तो दोस्तों क्या देखा गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है यहां पर, ये दो तो आयरन को कंटेन कर रहा होगा और दो ही कॉपर को कंटेन करेगा इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, टू एंड थ्री के अंदर, और यहां पर भी क्या है भाई, वन एंड टू के अंदर। तो ये बात नोट डाउन करेंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही अब क्या भाई, साइटोक्रोम जो अपना बी था वहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा, साइटोक्रोम किस पर पहुंचेगा भाई, साइटोक्रोम बी से सी पर चला जाएगा, देन साइटोक्रोम ए पे नहीं जाएगा, कौन पकड़ेगा इसको भाई, कॉपर, कॉपर पकड़ेगा, कॉपर ए, कौन पकड़ेगा, कॉपर ए, कॉपर ए जैसे ही पकड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, अब ये किसके पास जाने वाला है, साइटोक्रोम ए के पास जाएगा। अगर साइटोक्रोम ए के पास जाता है तो फिर अब किसके पास जाएगा दोस्तों, साइटोक्रोम ए थ्री के पास, और साइटोक्रोम ए थ्री एंड कॉपर बी ओ टू के साथ क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे। बताइए यहां से तो क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई आ रही होगी भाई, और ये क्या कर लेंगे, इस तरीके से कपल कर लेंगे, तो क्या होगी इसकी रिएक्शन वो देखें। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि साइटोक्रोम जो मेरे हैं चार साइटोक्रोम टू पॉजिटिव, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया है प्लस, और हमने क्या ले लिया भाई, ऑक्सीजन ले लिया है, प्लस क्या कर दिया, फोर एच पॉजिटिव, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टू एच टू ओ के अंदर, प्लस आपके चार साइटोक्रोम क्या आ जाएंगे, थ्री पॉजिटिव। बताइए, तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है भाई, ओ टू कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, पानी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ यहां पर जो एंजाइम लग रहा होगा वो कौन सा एंजाइम होगा दोस्तों, इसी को बोला जाता है यहां से लेकर यहां तक, ये जो कारनामा दिखाया है ये किसने दिखाया है भाई, ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ने, डन है। अब अगर आप इस तरीके से देखना चाहें कि इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन, तो भाई सी ऑक्सीडेज का फंक्शन तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पानी के अंदर, दो तीन बार तो यही पूछा गया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर चार साइटोक्रोम टू पॉजिटिव से तो चार इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अगर एट एच पॉजिटिव, ठीक है, मैं ले लूं प्लस ऑक्सीजन, तो ये मेरे को क्या देंगे भाई, चार साइटोक्रोम से तो ये किसके अंदर चला जाएगा, थ्री पॉजिटिव के अंदर, तो चार इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गए, चार इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, टू एच टू ओ बन जाएगा, प्लस फोर एच पॉजिटिव। तो ये बात, ये जो रिएक्शन है ये आप याद रखें, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। चार साइटोक्रोम टू पॉजिटिव क्या देंगे, चार इलेक्ट्रॉन देंगे, चार इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, एच पॉजिटिव लेगा, एच पॉजिटिव लेगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, तो क्या बना लेगा भाई, टू एच टू ओ बना लेगा, और चार यहां पर क्या निकल जाएंगे दोस्तों, प्रोटॉन्स। अगर चार प्रोटोन भी पंप आउट होते हैं तो आपने देखा होगा जो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, पहले जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी कि चार प्रोटॉन ही क्यों पंप आउट होते हैं, ठीक है, तो वो इसका रीजन था कि यहां से क्या आते हैं, चार प्रोटॉन्स आते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, साइटोक्रोम आपका क्या हो गया है दोस्तों, थ्री पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेज है, क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसका क्या हुआ है, ऑक्सी
डेशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात थी अपनी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम की। अब हम आगे बात करेंगे साइटोक्रोम पी 450 पे कि क्या होती है और कैसे काम करेगी। तो दोस्तों क्या देखने जा रहे हैं, साइटोक्रोम पी 450 तो लगाएं एक बार, साइटोक्रोम पी 450। अगर पी 450 है, इसका क्या मतलब है कि यहां पर अगर आप इस पिगमेंट का क्या लें, यूवी स्पेक्ट्रम लें, तो यहां पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितने पे मिलता है, 450 नैनोमीटर पर। और ये नैनोमीटर क्या रहेगी यहां पर वेवलेंथ, और ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी दोस्तों। तो ये अपना इस तरीके से डन हुई इतनी बात। तो साइटोक्रोम ही है ये भी, और इसका काम थोड़ा सा अलग होगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन लिखें एक बार, तो फंक्शन इसका क्या रहेगा दोस्तों, मोनो ऑक्सीजनेशन कराएगा। क्या कराएगा, मोनो ऑक्सीजनेज की तरीके से काम करता है ये, कि क्या करेगा, मोनो ऑक्सीजनेज की तरीके से काम करेगा। इट एक्ट्स एज ए मोनो ऑक्सीजनेज, इट्स एक्ट्स एज मोनो ऑक्सीजनेज, और आप बोल सकते हो इट एक्ट्स एज एज अ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम इंसर्शन insertion in some organic compound। बड़ा ही important है ये, यही तो important है, important है बहुत ही ज्यादा ये, ठीक है। क्या करेगा भाई, that is आप बोल सकते हो alkene के अंदर, अगर alkene moiety हो तब, या आपकी alkane moiety हो बोलिए, या आपकी क्या हो भाई, aldehyde हो, इन सभी के अंदर क्या करा देगा ये, ऑक्सीजन का, मोनो ऑक्सीजन का क्या करा देता है, इंसर्शन। कैसे कराएगा वो मैकेनिज्म बाद में देखेंगे। और थर्ड इंपोर्टेंट बात है, तो फर्स्ट इंपोर्टेंट बात ये आप सेकंड बोल सकते हो, और थर्ड इंपोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इट इज फाउंड इन, या इट फाउंड इन, फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल के अंदर भी, प्लांट के अंदर भी, और बैक्टीरिया के अंदर, तीनों के अंदर पाया जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी लगा लें, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करें। तो देखें भाई, मोनो ऑक्सीजनेशन किस किस कंपाउंडों में, अगर आप अल्कोहल में कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन में कराएंगे तो क्या बनेगा, बारी बारी से। तो दोस्तों देखते हैं कि किस किस तरीके से इंसर्शन होगा। तो देखें अभी बारी बारी से, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अगर आपने क्या लिया हुआ है दोस्तों, आरएच ले लिया, क्या ले लिया, आरएच, और आरएच में आपने क्या लेना पड़ेगा भाई, ओ2 तो आपका होगा ही, प्लस आपने क्या ले लिया, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपने वो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहां से ROH क्या मिल जाएगा, ROH प्लस वोटर, क्या मिल जाएगा, ROH प्लस वोटर। अगर आप देखना चाहें वोटर को, ROH एक ऑक्सीजन तो यहां ट्रैप हो चुका, H2O, देन डन, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। सेकंड, अगर मैं बोलूं इस तरीके से कि आपके पास क्या है, एल्कीन है, और आपने क्या दे दिया है इसको, O2 दे, ऑक्सीजन दे दिया है, प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल, फिर से क्या बना लेगा ये, इसके साथ इपोक्साइड फॉर्मेशन, क्या करेगा इस तरीके से इपोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा, बोलो भाई, प्लस वाटर। ऐसा ही सिमिलर केस किसके अंदर आ जाएगा भाई, अगर आपके पास क्या हो, एल्डिहाइड हो, क्या हो, एल्डिहाइड ले ले आप, H, और प्लस आपको क्या, O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों लेने ही लेने पड़ेंगे,
इसके बाद अगर आप एक ऑक्सीजन को ट्रैप करा दे तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिड प्लस वॉटर। बताइए भाई। तो अब हम देख रहे हैं किसका भाई, स्ट्रक्चर ऑफ P450 की स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ P450, तो स्ट्रक्चर क्या होगा P450 का? अगर मैं बोलूं आयरन यहां पर है 3 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, और आपको पता है कि ये किससे जुड़ रहा होगा, NN से, और N कहां से आया है, पोरफायरिन रिंग से आया है। कहां से आया है? पोरफायरिन रिंग से आया है। और जो फिफ्थ कोऑर्डिनेटिंग साइट है वो किससे जुड़ रही होगी, वाटर से। और जो सिक्स जुड़ेगी वो किससे जुड़ जाएगी दोस्तों, S16 से। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो चुका है इसका, बताओ भाई, डन है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्या मेरा Fe3 पॉजिटिव ESR एक्टिव होगा या इनएक्टिव, तो Fe3 पॉजिटिव जो है वो मेरा क्या आ गया, D5 सिस्टम। अगर D5 सिस्टम आ गया तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका तो क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक आते ही क्या बन जाएगा, ESR एक्टिव हो जाएगा। बताइए सही है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस स्ट्रक्चर को मैं और किस तरीके से दिखा सकता हूं सिंपली बिल्कुल, तो ये तो 4 नाइट्रोजन तो कहां से आ रहे हैं, पोरफायरिन रिंग से, तो इस तरीके से पी से दिखा दिया जाता है। और इसको क्या दिखा दिया, 3 के अंदर, और एक अबो एंड बिलो क्या दिखा दे, OH2 एंड S16। तो ये भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये इसको कंडेंस फॉर्मूला बोल सकते हो आप, कंडेंस स्ट्रक्चर बन गया FeOH2 एंड S16। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरीके से ये ऑक्सीजनेशन करा रहा होगा। तो अब हेडिंग लगाएं, मैकेनिज्म ऑफ साइटोक्रोम P450। तो दोस्तों मैकेनिज्म क्या होगा साइटोक्रोम P450 का, वही देख रहे हैं कि अगर मैं यहां पर Fe लेता हूं और Fe पोरफायरिन, और यहां पर क्या होता है, ये 3 पॉजिटिव में रहता है, और ऊपर की साइड आपके पास क्या है OH2, और नीचे क्या है S16, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि RH आएगा, कौन आएगा, अपना सबस्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट आएगा तो पानी यहां से क्या हो जाएगा, फुर हो जाएगा। तो अगर पानी फुर हो गया तो यहां पर देखें PFe2 और फिर यहां पर सॉरी 3 और फिर यहां पर क्या जुड़ गया है भाई, RH आ गया इसके साथ, RH आने से यहां पर क्या आ गया, S16, डन। अगर ये हुआ तो अब हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देंगे फिर ऑक्सीजन का एडिशन करा देंगे, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव लो स्पिन क्या कर रखता है, बहुत ही ज्यादा एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी रखता है, आपने हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में देखा था। तो एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, 2 पॉजिटिव में। तो पोरफायरिन Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो गया भाई, आयरन 2 पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, लो स्पिन। यहां पर आपका क्या जुड़ा हुआ है भाई, RH, पोरफायरिन, S16, डन है। अब हम क्या कर देंगे भाई, ऑक्सीजन का एडिशन। अगर ऑक्सीजन का आपने एडिशन दिया है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, PFe2 लो स्पिन, और यहां पर ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़ रहा होगा, ठीक है। अगर ये जुड़ जाए इस तरीके से, RH इससे इंटरेक्शन दिखा रहा है, और यहां से क्या भाई, S16, डन है। अब अगर मैं आपसे यहां पे क्या बोलूं भाई, कि अब अगर ये हो जाए क्या, बताओ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 पॉजिटिव में। तो आप लिख लें कि जो आपका Fe है PFe, ये किसके अंदर चला जाएगा, 3 पॉजिटिव के अंदर, RH, बोलो भाई S16, और यहां पर क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, डन है। अगर मैं क्या बोलूं कि अपने को एक इलेक्ट्रॉन हमने और सप्लाई कर दिया,
एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते ही यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, Fe, और इस तरीके से क्या जुड़ेगा ये RHP, और यहां पर क्या है थ्री का थ्री पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा S16। बताइए, डन। अब आप क्या करें भाई, तो दोस्तों अब आप ये करें कि यहां पर आप 2H पॉजिटिव जोड़ दें। क्या जोड़ दें? 2H पॉजिटिव। अगर आप 2H पॉजिटिव देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, वोटर। क्या निकल जाएगा? वोटर। इस तरीके से तो ये क्या बन जाएगा भाई, Fe प्लस 5 के अंदर डबल बॉन्ड हो S16 और RH एंड P पोरफायरिन। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब क्या होगा, अब आपको इनिशियल स्टेट में लाने के लिए, इसको इस स्टेट में लाने के लिए, इस वाले में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वोटर देना पड़ेगा, H2O देंगे और निकल क्या जाएगा भाई यहां से ROH। बताइए, डन। तो यही आपका क्या था, कंप्लीट मैकेनिज्म था दोस्तों। अभी आपने ये मैकेनिज्म देखा अपना साइटोक्रोम CP450 का, जिसके अंदर आप सिंपली अगर लेना चाहें क्या भाई, अगर आपका आयरन कितने से कितने में जा रहा होगा, आयरन पहले कितने में था, थ्री पॉजिटिव में था, उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ, टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, फिर आपका ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन किस फॉर्म में जुड़ा भाई, आपका FeO2 नेगेटिव के फॉर्म में, फिर किसके फॉर्म में चला गया ये FeO2 नेगेटिव के फॉर्म में चला गया, और आयरन आपका यहाँ पर भी कितने में था भाई, थ्री पॉजिटिव के अंदर, फिर से ये अपना थ्री पॉजिटिव के अंदर रहा, उसके बाद Fe अपना कितने में चला गया भाई, प्लस 5 में चला गया, प्लस 5 में जाते ही फिर से कितने चला गया भाई दोस्तों, फिर से अपना थ्री पॉजिटिव में चला गया। यहाँ पर ये अपना सिंपल क्या हो गया, इसका मैकेनिज्म। अगर अब हम आगे चर्चाएं कर रहे हैं आपकी किसके ऊपर भाई, जेंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जेंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम एंड एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो स्ट्रक्चर देख लें, स्ट्रक्चर क्या होगा किसका भाई, जेंथीन का। तो जेंथीन आपका कैसा दिखता है दोस्तों, NH, यहां पर भी क्या आ जाएगा NH, फिर यहां पर क्या इस तरीके से NN, डन, और यहां डबल बॉन्ड H, ठीक है, डबल बॉन्ड हो यहां पर है, डबल बॉन्ड हो यहां पर, ये क्या हो गया जेंथीन। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करा दूं, तो ऑक्सीडाइज करा दूंगा तो क्या, ये तो क्या हो गई जेंथीन हो गई, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, किसके प्रेजेंस में हुआ ये, जेंथीन ऑक्सीडाइज एंजाइम के प्रेजेंस में। कैसा स्ट्रक्चर आएगा दोस्तों, NN डबल बॉन्ड हो, और यहां पर क्या है ये 5 मेंबर रिंग तो बनी जाएगी, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, NN, और यहां पर इस तरीके से, अब यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहां पर। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये मेरा क्या है, दिस इज कॉल्ड यूरिक एसिड, तो इसके अंदर क्या क्या रहता है भाई, इसके अंदर दो तीन मोइटी रहती है एंजाइम की, ये इंपॉर्टेंट है, लिखें इसको। एक तो यहां पर आप लिखें मोलेब्लेडिनम होगा नंबर 1 एंजाइम के अंदर मोइटी, दूसरी किसकी रहेगी Fe2S2 जो कि आपका फेरिडोक्सिन होता है उसकी रहेगी, तीसरा नंबर फ्लेविन एडिडिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD की रहती है, तो ये तीनों की तीनों रहेगी, और Fe2S2 कितना रहेगा, 2 यूनिट रहेगा। यहां पर देखें, फोकस करें, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम, एल्डिहाइड मान लीजिए मैंने क्या ले लिया है, एसिटाल्डिहाइड, इसको क्या कराना है मेरे को, ऑक्सीडाइज कराना है, ऑक्सीडाइज कराते ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर, एसिटिक एसिड, किसके प्रेजेंस में होगा भाई, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ये आप बोल सकते हो दिस इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, और दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड,
यहां पर क्या करा रहे, ऑक्सीजन का एडिशन, तो ऑक्सीडेशन बोल दिया। यहां पर भी एंजाइम के अंदर कौन कौन सी मोइटी प्रेजेंट रहेगी दोस्तों, तो मोलेब्लेडिनम नंबर वन, दूसरा नंबर क्या Fe2S2 प्रेजेंट रहेगी, नंबर तीन क्या प्रेजेंट रहेगा भाई दोस्तों, यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट था FAD, यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट रहेगा FAD प्रेजेंट, इतनी बात याद रखें। डन हो गई इतनी बात। आगे हम किस पर चर्चाएं कर रहे हैं दोस्तों कि आपका MRI एजेंट क्या होता है, तो वो भी लिख लें आप, एक बार आ गया था MRI एजेंट, तो MRI एजेंट क्या होता है, गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव, इंपोर्टेंट, गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। जो भी आपके एब ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली MRI एजेंट होते हैं, तो यहां पर एक बात ये नोट डाउन करके लिखें MRI एजेंट, ठीक है। अब हम आगे चर्चाएं कर रहे हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे और अल्ट्रा ट्रेस न्यूट्रिएंट क्या होंगे। तो दोस्तों क्या देखने जा रहे हैं, असेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट, कि हमें किन किन एलिमेंटों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है और कुछ एलिमेंटों की हमें कम ज़रूरत रहेगी, और कुछ एक हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक होंगे, या आप बोल सकते हो पॉइजन की तरीके से काम करेंगे। तो फर्स्ट लगाएंगे न्यूट्रिएंट के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे दोस्तों, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आप बोल सकते हो, उसके बाद Na, उसके बाद क्या भाई Mg, कैल्शियम, और उसके बाद कैल्शियम के बाद कौन सा लगा सकते हो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद PsCl, ठीक है। ये जितने भी आपके क्या रहेंगे दोस्तों, कि जितने भी आपके ये आप बोल सकते हो एलिमेंट है, ये क्या है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे लगाएं भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का क्या मतलब है भाई, थोड़ा या कम आप बोल सकते हो, क्या मतलब है इसका, या स्मॉल अमाउंट, क्या बोलेंगे स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और ये क्या है भाई, मैक्रो का मतलब क्या रहता है, लार्ज, ठीक है। तो ये लार्ज अमाउंट में जरूरत इनकी पड़ती है, इनकी जरूरत किसके में पड़ेगी भाई, स्मॉल अमाउंट के अंदर। कौन कौन से हैं जिसके स्मॉल अमाउंट के अंदर जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो आ गया टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और इसके नीचे भी कौन से भाई, मोलेब्लेडिनम भी और टंगस्टन भी। इसके बाद Fe कोबाल्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा निकल, देन कॉपर, देन जिंक। ये तो क्या हो गई आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या हो गए ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। अगर आपको नॉन ट्रांजिशन लिखने हो, क्या लिखने हो नॉन ट्रांजिशन, अगर आपको लिखने रहेंगे तो कौन कौन से होंगे उसके अंदर देखें, नॉन ट्रांजिशन के अंदर, नॉन ट्रांजिशन के आपके अंदर क्या होगा भाई BsSc और क्या हो जाएगा फ्लोरिन एंड आयोडीन, ये आपके क्या हो जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद क्या आएंगे अल्ट्रा ट्रेस, जिसकी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में जरूरत होती है, या आप बोल सकते हो 1 ppm से भी कम की जरूरत होगी। तो थर्ड पॉइंट लगाएंगे अल्ट्रा ट्रेस, तो थर्ड पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कौन सा भाई अल्ट्रा ट्रेस, तो अल्ट्रा ट्रेस लिख लें, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिसके बॉडी को किसकी जरूरत पड़ेगी भाई 1 ppm से भी कम। तो आप बोल सकते हो ये क्या आएंगे अपने लेस देन इक्वल टू 1 ppm, ppm का क्या मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, PD आता है, CD आता है, इसके अंदर कौन सा आता है भाई आर्सेनिक भी आ जाता है, लेकिन अगर और फिफ्थ आप बोल या फोर्थ बोल सकते हो पॉइजनस, या आप बोल सकते हो पॉइजनस, या इसका क्या आएगा बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आएगा, या आप बोल सकते क्या भाई पॉइजनस इफेक्ट, या जो भी आपकी बॉडी के अंदर जैसे देखा गया जो आपका क्या था भाई लेड था, PB था, और अगर आर्सेनिक, और इसके अंदर आप क्या ऐड कर सकते हो भाई
आर्सेनिक भी कर सकते हो। अगर ये थोड़ी सी भी अमाउंट इनकी बढ़ जाती है तो बॉडी के अंदर क्या काम करेंगे, ये नेगेटिव काम करेंगे, आपकी बायोकेमिकल जितनी भी रिएक्शन चल रही होगी उसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अभी देखा गया था कि पीछे हाल ही में कि जो आपकी यमुना का पानी है उसके अंदर किसके ट्रेस पाए गए थे दोस्तों, आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड लेड पॉइजनिंग। उसकी वजह से क्या हो गया था भाई, काफ़ी लोग बीमार भी हुए थे। फिर वैसे सैम्पलिंग वैम्पलिंग के लिए वाटर भेजा गया तो उसमें क्या मिला भाई, अपने को आर्सेनिक एंड लेड का कंटेंट मिला। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, तो और हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके बाद हम किस पे चर्चाएं करेंगे दोस्तों, फोटोसिंथेसिस पे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ऑफ द ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।